सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ब्रार, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रार। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम प्ले करेंगे पबजी के नए ज़ॉम्बी मोड को। तो दोस्तों, ज़ॉम्बी मोड बीटा में आ चुका है। कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज हम ज़ॉम्बी मोड को प्ले करेंगे। हमने 51 ज़ॉम्बीज को किल किया लास्ट तक। मैं रैंडमली खेल रहा था प्लेयर्स तक, लेकिन हमने चिकन डिनर लिया। लेकिन अफसोस की बात है, मैं लास्ट में नहीं बचा था। यस, जब तीन बंदे रहे थे, दो वर्सेस एक, यानी 3 vs 2 vs 1 था। तब दोस्तों मुझे यार, मैंने रश किया और मैं मारा गया था। खुले में जोन बन रहा था तो मैं मारा गया था। लेकिन मेरे दोनों बंदों ने काफ़ी अच्छा कमाल किया यहाँ पे, और हमने काफ़ी अच्छे से टीम वर्क भी किया यहाँ पे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों के साथ प्ले करके। तो यार, इसके लिए एक लाइक बनता है यार, ज़ॉम्बी मोड को एक लाइक बनता है यार। नीचे लाइक का बटन होगा, दबा देना लाइक को। तो दोस्तों, हम जा रहे थे यहाँ पे रोज़क की तरफ। तो दोस्तों, चार नंबर ने अलग, 4 नंबर था वो हमारा अलग जा रहा था, लेकिन आखिर में दोस्तों वो हमारे पास ही आया। दोस्तों देख सकते हैं, हम चारों अलग अलग हैं। तो अब हम चारों एक ही जगह मिलने वाला है रोज़क पर। तो हमने काफ़ी अच्छे से रश किया। मैं यहाँ एक भी बार नॉकडाउन नहीं हुआ, सिर्फ एक बार नॉकडाउन हुआ और मैं किल हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गया नीचे। तो दोस्तों यहाँ से मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पे देखा तो एक 1 लेवल का बैकपैक था और एक एक्सटेंडर था SMG का। तो मैंने अभी रखा, मैंने कहा कि एक्सटेंडर SMG में अगर मुझे पहले मिलते तो मैं रखूँगा। और यहाँ पर M16A4 और एक नाइफ मिला, यानी चाकू मिला। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी बेसिक सी लूट उठाई और एक रेड डॉट उठा लिया, और फिर मैं गया इस ओर। तो यहाँ पे दोनों बंदे लूटिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए हम भी लूटिंग कर दें। मैं ऊपर गया तो मुझे कुछ भी सामान नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ से गया नीचे। तो मैंने यहाँ से आवाज़ थोड़ा कम कर दिया मैंने। तो यार, मैंने देखा कि कौन यहाँ से मार रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेन पार्ट्स लिए। तो यहाँ पर मुझे, वरना 30 मिनट्स का वीडियो है ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। तो अब मैंने, मुझे यहाँ पे कोई अभी तो मिला नहीं, और एक बंदा हमारा नॉक डाउन हो जाता है। तो मैंने कई बार अपनी स्पीड को भी बढ़ाया है दोस्तों। तो यार, बहुत ही मज़ेदार और वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने के स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो भाई इन सबको किल करते। तो ये मैं लेने गया, उससे पहले इसने ले लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, एक को किल किया मैंने। तो यहाँ पर दूसरा हमने किल किया, लेकिन नहीं पहुँच गई M1 की बुलेट। तो मैं उसके पास गया, बुलेट्स ली। तो यहाँ पे हमने किल कर दिया इसे भी। तो बहुत ही बुरा दोस्तों, हम फंसे थे और बचे भी हैं। काफ़ी बुरी तरह से हम फंसे बचे, बहुत ही बुरी हालत थी। 4 नंबर हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा था और वहाँ पे नॉकडाउन होने वाला है। फिर मैं एक बार उसे बचाऊँगा और फिर से वो मरने वाला है, और वो नॉकडाउन होगा फिर मर जाएगा। तो फिर हम बचे थे 3। तो दोस्तों हम तीनों ने दोस्तों जैसे तैसे जीते। बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे, काफ़ी लोग, हमने भागे वहाँ से यहाँ किया और बचे। तो मैं थोड़ा सा कम करूँगा, मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगा यार दोस्तों। मैं थोड़ा बहुत कम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो बिग ज़ॉम्बी था उसको मैंने यहाँ पर किल कर दिया। और मुझे इसके पास एक सप्रेसर मिलता है स्नाइपर्स के लिए। और यहाँ पे हमारा एक बंदा नॉकडाउन हो चुका है। वहाँ पे एक बंदे को नॉकडाउन किया इसने, और फिर से वो नॉकडाउन हो गया, उस दूसरे बंदे ने इसे नॉकडाउन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अपनी गन को रीलोड किया, मैसेज को रिमूव किया, रेडी हो गया, क्योंकि इसके पास तो टाइम था ही। तो मैंने देखा कि वो कहाँ है, दूसरे बंदे को भी नॉकडाउन कर दिया। तो मैंने यहाँ पर दोनों को नॉकडाउन करके छोड़ दिया और मैं रिवाइव करने लगा। मेरा एक किल चोरी हो गया। मैंने अगर उसे दूसरे जो नॉकडाउन था उसे पूरा मारा होता तो वो किल मेरा होता, लेकिन मैंने कहा चलो भैया पहले टीम मेट्स। तो मैंने इसे रिवाइव किया, ये बंदा गया वहाँ पे, और फिर मैं बचाने गया 4 नंबर को। और यहाँ से मैंने एक हीरो की तरह जंप लगाई, लेकिन अच्छा हुआ ब्लर कम नहीं हुआ हमारा। तो मैंने यहाँ पर अपनी गन को रिलोड रखा और इसे रिवाइव किया। तो यहाँ पे हम रिवाइव करने के बाद उसे, उन दोनों बंडों को लूटने चले गए। मुझे एक किल मिला, एक किल मेरे शायद टीममेट को मिला था। तो अभी हमें यहाँ पे जो टाइमर 2:45 है, जो जोन के बाद वाला, वो तो मैं
वो हमें दिखा रहा है कि जोम रात होने वाली, इसमें रात में बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज़ आते हैं। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे लूटिंग स्टार्ट की। मुझे यहाँ पे AKM मिली, लेकिन बुलेट्स नहीं थी इसके पास। मैंने जैसे यहाँ पे खोल तो यहाँ पे AKM पड़ी। मैंने सोचा शॉर्ट गन अकेले रखने से अच्छा AKM रखते हैं। तो मेरे पास M16A4 थी, मैं इसी से लड़ रहा था। 2 लेवल का वेस्ट, 2 लेवल का हेलमेट जो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला था, 1 लेवल का वेस्ट और 2 लेवल का बैकपैक था। तो अब मैं गया, 4 नंबर भैया क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, वही लूट कर रहा था। तो यहाँ पे बुलेट्स चल रही थी, तो एक बंदा ऊपर था दोस्तों इस घर में, सामने वाले जो वाइट देखा मैंने। तो यहाँ पे उसे प्री फायर किया, थोड़ी शॉट्स लगे, फिर मैंने अपने गन को रिलोड किया। ये बेचारा अबरार के हाथों तो से जाने वाला है, उसे पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे ऊपर गया। वो बेचारा पता नहीं क्या कर रहा था, भाग रहा था या छुप रहा था। एक हेडशॉट और ख़त्म। फिर यहाँ से मैंने लूटा, इसके पास की M16A4 और AKM दी। तो यार अब चलते हैं, और मैंने कहा चलो फटाफट लूट कर लेते हैं, और जॉम्बी आने वाले हैं। तो हम जॉम्बी के बीच में बहुत ही बुरा फंसे थे। यहाँ पे अपनी AKM की भी बुलेट्स को रिलोड रखा। दोस्तों मैं अगर आप रिकमेंड करूँगा, अगर आप जॉम्बी मोड प्ले करते तो प्लीज़ अपनी दोनों या फिर जो भी आपके पास दूसरी पिस्तौल कुछ भी हो उसे या रिलोड रखो, क्योंकि वरना बहुत ही भारी पड़ेगा आपको। मैं मरते मरते बचाऊँ कई बार, और मुझे रिवाइव नहीं, मैं माफ़ी के मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे एक बार रिवाइव किया गया था। मैं भूल गया आपको सॉरी बताना, मैंने पहले कहा कि मैं एक भी बार नहीं हुआ था नॉकडाउन, लेकिन मुझे अभी याद आया कि हाँ मैं हुआ था। तो यहाँ पे अब एक स्मोक ग्रेनेड उठाया, फिर मैं से नीचे कूदा, फटाफट मैंने जंप लगाई, क्योंकि 30 सेकंड थे हमारे पास लड़ाई करने थी ज़ॉम्बीज़ के। हम चारों ओर से आप कह सकते हैं दूसरे में तो हम घिरे जा चुके थे। तो यहाँ पे हम आपको रियल प्लेयर्स को भी मानना होता है और ज़ॉम्बीज़ को भी मानना होता है, दोनों को। पीछे थोड़ा आवाज़ होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे सामने वाले घर में कुछ काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं ज़ॉम्बीज़ हमारे। यहाँ पे एक को नॉक डाउन मारा, तो यहाँ पे मैं गया इस ओर, मुझे लगा तो यहाँ पे ये बंदा आते ही गया एक ज़ॉम्बी। तो यहाँ से मैंने 6 मारे, और फिर दोस्तों एक और आया जिसको मैंने प्री फायर, मुझे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो इस तरह से गया तो मैंने देखा, तो इसको मैंने पूरी तरह से मार डाला। तो यहाँ पे हमारे 7 हो गया, मुझे यहाँ पे 60-60 ऐसे बुलेट्स मिले। तो मैं अब लड़ना था बेचारे, ये पीछे से वार कर रहा था, इसे मैंने मार दिया और मैंने इसे भी मार दिया। तो अब बहुत ही बड़ा दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया हमने लड़ा और शहीद भी हुआ 4 नंबर। तो हम दोनों तीनों ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे मारे ज़ोंबिस। तो यहाँ पे ज़ोंबिस आने लगे, मैंने दोनों को नो एक को नो, तो मेरी यहाँ पे गन रिलोड होने वाली थी, तो मैंने रिलोड करके उसे ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो मुझे पता नहीं था ज़ोंबिस यहाँ पे आ रहा है, मैंने देखा कि मेरा 2nd नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लूटा, मुझे SLR मिली, तो मैंने सोचा कि बदल लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बदला। तो यहाँ पे तो मैंने इसे भी नॉक डाउन किया, तो यहाँ पे मुझे मिलता है कंप्लीट एक पे गोलियाँ 60। और तो यहाँ पे पीछे से वार कर रहा था, तो बेचारे को मैंने ख़त्म कर दिया पूरा। तो यहाँ पे हमने 11 किल्स कर लिए ज़ोंबिस के और 2 रियल के। तो यहाँ पे अभी से मार रहे हैं, लेकिन हमारे बंदे ने इसे निपटा दिया। तो अब बारी थी दोस्तों कि हमें क्या करना है। हमने ज़्यादा लड़ाई या रोज़ोक पे ही लड़ी, मुझे SKS मिले, तो मैंने अभी के लिए SKS उठा ली और AKM रखी। M16A4 मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी तरह से ख़त्म किया, काफ़ी अच्छा हमें टीम वर्क हमें मिला। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मोड ख़त्म होने में 2.5 मिनट की देर है, यानी सुबह होने में
तभी हमारा जोम्बी मोड ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बुरे हम बीचों बीच लड़ रहे थे, काफ़ी ब्लर हमारा कम हो चुका था 2 नंबर का, और हमें टाइम भी नहीं मिल रहा था कि हम आपको हील करें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लड़ो लड़ो और लड़ो। तो यहाँ पे एक और आया तो मैंने इसे नॉक ख़त्म कर दिया, लेकिन बच गया। और इस बार मैंने ख़त्म कर दिया दोनों को। इसके बाद से मुझे मिलता है 3x और 60 बुलेट्स, तो इसे भी मैंने ख़त्म किया और 60 बुलेट्स मिली। मुझे लगा कोई वार कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलिए अपने आप को अभी हील कर दे, लेकिन मैंने इसे सोचा कि पहले इसे मार दूँ, तो मैंने इसे मार दिया। और फिर अब बारी थी हील करने की, मैं हील करने का अपने आप को सोच रहा था। सिर्फ फर्स्ट नंबर के पास पूरा खून था, पता नहीं वो कैसे लड़ रहा था, और हमारा सेकंड नंबर बहुत ही डेंजरस हालत में लड़ रहा था, कार लेके सबको कुचल रहा था, और मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा था। यहाँ पर हमारे 23 किल्स हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही भूले सब मार रहे थे, तो हमारी यहाँ पे कार फूटने वाली थी इस बड़े ज़ॉम्बीज की वजह से। तो मैंने यहाँ पे फ्री फायर किया 2 नंबर को बचाने के लिए, तो एक बंदा मेरे तरफ आया, तो मैं थोड़ा दूर गया, बहुत ही बुरा लगा। तो यहाँ पे मैंने वेट करने का सोचा कि गायब हो गया यानी किल हो गया। तब एक कंपनसेटर और 60 बुलेट्स लेके मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसे भी ख़त्म कर दिया। देख रहे हैं मैं घर में गया हील करने के लिए अपने आप को, लेकिन पता नहीं दरवाज़ा हमसे खुला रह गया उससे, और वो ज़ॉम्बीज आ रहे थे। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था भागने के सिवा, तो मैं यहाँ से भागा बहुत ही देर, और यहाँ पे खड़ा हो गया और ज़ॉम्बीज का वेट करने लगा। मैंने रीलोड करके, मुझे पता था 3 ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे, इसलिए तीनों को मैंने सोचा कि निपटा देते हैं। मैं यहाँ पे बराबर दिख भी नहीं रहा था क्योंकि रात का समय था, और मुझे यहाँ से बहुत ही बुरा पड़ी, पीछे से बहुत बुरी पड़ी। हमें 10 सेकेंड वेट करना था और ये 10 सेकेंड हमारे बहुत ही बुरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी बंद किया, लेकिन कुत्तों ने खोल दिया इस ज़ॉम्बी से। अब दोस्तों हमें था लड़ना और 4 नंबर को बचाना, तो मैंने ट्राई किया कि 4 नंबर को बचाऊँ। पहले मैंने सोचा हील कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सुबह होने वाली है, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को दोस्तों यहाँ पे अब दौड़े हमारे 4 नंबर को बचाने के लिए, प्यारे से बेचारे बत्ते को, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी था जो बेचारे को मारने आ रहा था, तो इसे लॉकडाउन किया और मैं गोलियाँ फ्री फायर किया। और मैं जैसे ही रीलोड करके मैंने सोचा बचाओ, उस पर 2 नंबर ने भी सोचा कि मैं उसे बचा लूँ, लेकिन बेचारा नहीं बच पाया। यहाँ पे सेकेंड लेवल का हेलमेट, मुझे एक्सटेंडर, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स सोचे कि रख ले, तो मैंने यहाँ पे रीलोड किया, वापस गया। यहाँ पे मैंने सब कुछ अपने बेकार चीज़ें निकाल दी, सप्रेसर को भी फेंक दिया, और जो भी बुलेट्स एक्स्ट्रा थी उसे भी फेंक दिया। अब कड़ी लड़ाई थी, लड़ना था अब तीनों को और जीतना था। तो हमारे पास टाइम था 3 मिनट और 36 सेकंड का, क्योंकि वापस से रात होने वाली, शाम होने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने बता दें, मुझे भूल गया था इनेबल करना पीकेएल फायर स्कोप्स को, तो मैंने उसे इनेबल कर लिया फटाफट। उसे यहाँ से मैं दौड़ पड़ा कुछ ऊपर की तरफ, मैंने सोचा कि लूट करते हैं। पहले सोचा था कि बॉस की तरफ जाएंगे, लेकिन 500 मीटर दूर था और हमें रोज़ पे अब सेट होना था, क्योंकि हमें यहीं पे लड़ना था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं जाते। तो दोस्तों यहाँ पे हम
अब ऊपर जाने वाले, तो ये बेचारा ऊपर, मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे रेंडमली खेल रहा हूँ, फिर से बता दूँ, तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मोड आने वाला था, वापस से ज़ॉम्बी आने वाले थे कुछ ही देर में, इसीलिए दोस्तों मैंने रॉड डॉट को फेंका, एक एनर्जी ब्रेक लगा ली और फिर हम यहाँ से चल दिए। दोस्तों मैंने अब आगे थोड़ा ट्रिम कर दिया, यानी थोड़ा कट कर दिया कुछ वीडियोस को आगे, थोड़ा मैंने जब हमारी फाइट आती है तभी मैंने रखा है, डायरेक्ट उतना कट कर दिया है, तो यार थोड़ा एडजस्ट करना क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है। और दोस्तों अगर आपने जियो वाला वीडियो 2 GB आपको फ्री दे रहा है 8 दिनों 4 दिनों के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को कट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से रोजक से बाहर, थोड़े बहुत बाहर जा रहे हैं, और बेसिक से मुझे लूट चाहिए, अभी भी कोई मेरे पास स्कोप नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसमें अंदर पे देखा रहा कि क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक होलो मिला स्कोप के नाम पे, दूसरा कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल का हेलमेट मुझे मिल गया और एक एनर्जी ड्रिंक, तो मैंने यहाँ पे भी ऊपर देख लिया कि क्या मिलता है हमें। यहाँ पे मैंने चेक किया कुछ भी नहीं, तो मुझे यहाँ पे 8x मिल गया, तो मैंने इसके एस पे 8x लिखाया। तो यहाँ पे अब देखिए बहुत ही मज़ेदार यार वीडियो है। अब दोस्तों हम आगे चले, तो दोस्तों मैं यहाँ से अब आगे मैं नॉक डाउन होने वाला हूँ, तो यार देखिए कैसे मैं नॉक डाउन होता और मेरे प्लेयर्स मुझे बचाते, और फिर कड़ा टक्कर तब था जब जॉम्बीज आ रहे थे, मैं रिवाइव हुआ और उतने में जॉम्बीज आने लगे, बहुत ही मेहनत से मैंने रिवाइव किया अपने आप को। देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे बहुत पड़ी, मैंने मुझे पता नहीं था कहाँ पे पड़ रही थी मुझे कहाँ से, तो इतने में मेरे दोनों टेम्पलेट जो टीम मेट्स थे उन्होंने मार दिया वहाँ पे जो बंदा था, तो मैं अब यहाँ से साइड पे चला क्योंकि मेरे पास 10 सेकेंड थे। मैंने कहा कि भाई बचा है जल्दी यार, मैंने कहा भाई हेल्प कर दे जल्दी से, क्योंकि 10 सेकेंड है, 7 सेकेंड मुझे रिवाइव करने का, हील करने का फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर मेरे पास आया बेचारा और मुझे हील करने लगा, मैं रुका और यहाँ पे उसने रिवाइव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अब बात आती थी जॉम्बीज की, तो यहाँ पे जॉम्बीज आना स्टार्ट हो चुके थे, तो बेचारे 2 नंबर का थोड़ा सा ब्लर कम हुआ, फिर मैंने यहाँ पे आया और मैं अपने आप को हील स्टार्ट किया, मैं देख रहा था कि वो यार ना जाए, और मैंने हीलिंग कंप्लीट कर ली और फटाफट से एनर्जी ड्रिंक मारी, और इतने में ज़ोंबीस आ गया और लगी दोस्तों एनर्जी यहाँ पे ड्रिंक हम खा चुकी लड़े थी। भी और बहुत ही अच्छा लड़े हम दोस्तों, यहाँ पे हम चारों ओर से ज़ोंबीस की तरफ से गिर चुके थे, हम तीनों लड़ रहे थे और भाग भी रहे थे। ये दोस्तों बहुत ही बुरा हाल था हमारा, क्योंकि एक तरफ से कुछ फायर कर रहा था लेकिन हमें लगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट्स, हमारी जो 60 बुलेट्स थी 9mm की, वो मुझे नहीं काम की थी, तो मैंने उसे फेंक दिया और फिर यहाँ पे मैंने इसे भी किल कर दिया। तो मैं यहाँ से हम देख रहे थे कोई आ जाए, क्योंकि हमें काफ़ी कम टाइम हमें करना था वेट, क्योंकि लड़ना था क्योंकि ज़ॉम्बी मोड़ अब ख़त्म होने वाला था और सुबह होने वाली थी, सुबह होके ज़ॉम्बीज काफ़ी कम आते नहीं आते, लेकिन एक दो जो रह गए को शायद आ जाए। तो यहाँ पे मुझे कार 98 मिली एक ज़ॉम्बी को किल करने के बाद, तो मैंने कार 98 उठा ली और चलते बना, तो मैंने यहाँ से अपने गन को वापस AKM लाई और इस बेचारे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जैसे ये ख़त्म होता है इसके पास है सप्रेसर में था ये स्नाइपर सॉरी AR का, तो मैं 2 नंबर और 1 नंबर भाग रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हमें से हमारे पास हमको कोई मार रहा था आगे, तो अब बारी थी, 5 सेकेंड बचे थे और अभी भी थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पे हमने एक ज़ॉम्बी को किल किया मैंने और फिर हम आगे बढ़े वापस। तो यहाँ पे वापस ज़ॉम्बी आना स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि बहुत ही बुरा था, और ये काफ़ी बड़े बड़े ज़ॉम्बीज थे, और यहाँ पे मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ज़ॉम्बीज आ रहे थे, तो मैं हर तरफ से घिरा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसे बहुत ही मारी खोरिया लेकिन बच्चे का जा रहा था, तो मैंने सोचा कि भैया अब तो भागना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर तो बहुत ही दूर भाग चुका था, जो स्कूल के पास अपॉइंटमेंट
बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स उसमें था, यहाँ पे एक अपार्टमेंट था वहाँ पे बेचारा चला जा चुका था, लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं ज़ॉम्बीज़ ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे छे वहाँ तक यहाँ तक आ चुका था। जैसे ही मैं इस हो गया वहाँ पे बेचारा, ऊपर से भी अब ज़ॉम्बी आने लगे थे, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे भागना था यहाँ से भी। तो यहाँ से दोनों ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे आ रहे थे, चार हो चुके थे। अब बहुत ही बुरा समय आने वाला था हमारा, तो फटाफट हमने यहाँ पे वापस से मैंने दौड़ना शुरू किया। सबसे ब्लड मेरा कम था और फर्स्ट नंबर का सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं भाग रहा हूँ, बहुत ही बुरा भाग रहा हूँ। तो अब वेट था, मैं कुछ टाइम में लड़ना था और वेट करना था कि कब हमें आधी सुबह हो और ये सारे ज़ॉम्बीज आए और हम रियल प्लेयर्स को किल कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही बुरा फंसा हूँ हम सब, तो वेट करना है हमें, वेट वेट, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैं भागता रहा और यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक भागा, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रही, और अगर मैं खड़ा रहा तो ये सारे लोग मुझे मार डालेंगे पूरी तरह से। और यहाँ पे किसी ने स्मोक ग्रेनेड किया, स्मोक ने माफी, जो स्मोक ने ग्रेनेड किया, नॉर्मल जो पिला हमारा ग्रेनेड होता है वो वाला, जिससे हम अपने दुश्मन को भड़का दे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ गया था बहुत ही बुरा, तो अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक नंबर तो भाग ही रहा है, कुछ और नहीं, लड़ तो नहीं रहा, काफ़ी कम लड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी भागते हैं फटाफट। और यहाँ पे हमने जोन की पोजीशन देखी कि हम अभी भी काफ़ी अच्छे से जोन के अंदर है, तो यहाँ पर हमें वेट करना था 5 सेकेंड का, क्योंकि सुबह होने वाले थे और ये सारे ज़ॉम्बीज जाने वाले थे। तो यहाँ पे हमने ज़ॉम्बीज को किल किया और ये केकड़ा जैसा पता नहीं क्या हमारी तरफ ही आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रुका और मैं देखा कि कहाँ है वो, तो यहाँ पे मैंने इसे किल कर दिया। तो ये बेचारा मेरी तरफ आ रहा था लेकिन किल हो गया बेचारे का। मैंने Kar98 गलत ही उठा ली थी, क्योंकि बहुत ही कम इसका मैंने यूज़ ही नहीं किया, एक बुलेट मैंने नहीं चलाई। इसके पास M762 बची थी, मुझे नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने जोन की तरफ दौड़ा, मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाके हम हील करेंगे खुद को। तो ये दोनों बंदे यहीं थे, तो बहुत ही मज़ा आया इस लड़ाई में और चिकन डिनर में। और जो चिकन डिनर आया हमारी मेहनत का, वो बहुत ही मज़ेदार था। तो हम जहाँ पे जोन बन रहा था वो वाटर के उस पार है, थोड़ा हमें तैर के थोड़ा जाना ही पड़ेगा ऐसा था। तो हमने सोच, दो रास्ते थे, पुल से भी जा सकते थे और तैर के। मैंने सो पुल पे, जो मैं आपको जोन की पोजीशन दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कहा चलो भाई लेट्स गो, मैंने तो सर्च किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब नहीं मिलते हम, कुछ भी नहीं रखते, वैसे नहीं करते, और उसे हील करते सबसे पहले हम अपने आप को। मेरे पास फर्स्ट एड किट के नाम पे धप्पा था, कुछ भी नहीं था, फर्स्ट एड किट मेरी बची नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने हीलिंग स्टार्ट की। दोस्तों आप देख सकते हैं जोन की पोजीशन और जोन हमारा अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने अब भागना शुरू किया। दोस्तों ये मैं फ़ोन से खेल रहा हूँ, अपने रेडमी नोट 5 प्रो से, ना कि पीसी से, ना कि किसी चीज़ से मैं खेल रहा हूँ अभी, हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो से। तो वो बंदा कह रहा है लेट्स गो फॉल बैक टू सेफ जोन, वो गेट ऑन द कार, क्योंकि उन्हें कार मिल चुकी थी, तो वो दोनों बैठ चुके थे मेरे से काफ़ी दूर थे, इसलिए मैंने सोचा
कि अब मैं जितना पैदल हो सके उतना आगे जाता हूँ, क्योंकि जोन आ रहा था, जोन धाम से का थोड़ा सा टच होने ही वाला था तो, और मैं यहाँ पे जोन में आ चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा दूर है 28 मीटर्स, और यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ। और दो दो मेरे दोनों बंदे हैं कार में थे, वो भी आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे उनको दो बंदे दिखते हैं, मैं चाहता उससे पहले दोनों का काम तमाम उन्होंने कर दिया था। तो मेरा फटाफट मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड, तो मुझे यहाँ पे एक फर्स्ट एड मिल गई और एक एनर्जी ड्रिंक। और दूसरा बंदा मैंने देखा कि अब चलो चलते हैं, तो मैंने भैया यहाँ पे देखते हैं क्या है, मैं हमारी कार ब्लास्ट हो चुकी है वरना हम ब्रिज से जाते, लेकिन हमारी कार पूरी तरह से ब्लास्ट होने वाली थी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मैंने यहाँ से अपनी एनर्जी ड्रिंक मारी और एक 2x पे चाय फेंक दिया, एक्सटेंडर हाफ सब कुछ मैंने जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा था वो फेंक दिया। अब मुझे चाहिए था एक लेवल 3 का वेस्ट, क्योंकि मेरा आधा ख़त्म हो चुका था। मैंने देखा कि सामने कोई दिख जाए तो मैं उसे मार दूँ फिर चलते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो 2 नंबर हमारा पहुंच चुका था, तो यहाँ पे अब हमें जाना था सीधे। तो मैं फटाफट मैंने भी अपने पानी में छलांग लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, 30 मिनट का वीडियो। यार दोस्तों यार ये वीडियो बहुत ही मुझे खेलने में मज़ा आया, और मैं इसलिए कट इसमें नहीं करा, आप थोड़ा स्किप कर सकते, क्योंकि मैं इसमें कट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पूरा यार मैं कट भी क्या करूँ, ये भागना सब थोड़ा सा कट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया ताकि आपको भी बहुत मज़ा आए, पूरा आपको एक गेम प्ले मिले कोई भी कट के बगैर, लेकिन मैंने बीच में थोड़ा सा कट किया, 2 मिनट से 10-15 सेकेंड का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग का मैंने कट नहीं किया। तो यहाँ पे हमने फटाफट ऊपर चला, मैंने सोचा कि ऊपर से स्नाइपिंग करते कार 98 से, लेकिन हमें क्या पता था कि क्या होगा। कोई भी बंदा दोस्तों हमें कार 98 से, मैंने उसे नहीं मारा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 2 नंबर रुका, एक को नॉकडाउन किया उसने पता नहीं किसे, बैंक बैंक ऐसा कैसा ना बैंक वाला बैंक, तो इसे नॉकडाउन किया मैंने यहाँ पे लेटा। इतने में दोस्तों बुरी सी कार आती है, तो इसके पास अच्छी लूट थी दोस्तों, मैंने इसे लूटा तो काफ़ी अच्छी, हमें दोनों में लूट मिल गई। इसके पास 6x था, एक 6x, बहुत सारी लूट मिल गई, तो मुझे काम नहीं था, मेरा 3x है, मैं खुश हूँ। इतने में एक कार आती है तो मैं तो बच जाता हूँ। अब बात आती है दोस्तों, यही ये दो जो बंदे कार में गए ना उन्होंने मुझे मारा, तो मैंने यहाँ पे खुद को हील कर लिया, पता नहीं कार वाला कहाँ चला गया था। अब फिर मैंने इसे रिवाइव किया, तो अब मैंने दोस्तों मुझे बहुत ही बुरा मैं फंसा यहाँ पे। मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ब्लर का पूरा है, तो अब मैं उनके ऊपर रश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था नहीं वो नीचे कार है उसके पास है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई और बंदा दिख जाए। अब बात साफ हो चुकी थी, हम तीन वो दो और एक एक्स्ट्रा बंदा, वो बंदा इस पत्थर जो आप सामने पत्थर देख रहे हैं उसके पीछे था या फिर कहीं उतने में ही था, मुझे पता नहीं कंप्लीट। मैं जोन में आया और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वो मुझे कार दिखती है। अब सबसे बुरा क्या हुआ, तो मुझे लगा कि जहाँ पे देखो वो बंदा भागा, वो मुझे लगा कि कार के पीछे गया, इसलिए मैंने रश करना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो लेकिन दोस्तों बहुत ही बुरा मैं फंसा यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा इस ओर से आया, मुझे लगा कि वो कार के पीछे है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बुरा आग छोड़ रहा था ये बंदा। तो मैं ख़त्म हो चुका था, 2 नंबर नॉकडाउन था जिसे रिवाइव कर लिया फर्स्ट नंबर के, और ये लास्ट शहर का था लास्ट। तो यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी भारी है, तो यार दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कर लेना सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बच जाए तो बच जाए, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने एक बंदी को तो निपटा लिया और मैं यहाँ पे मरा गया, लेकिन मैंने सेपरेट किया, मैंने इसे रिमूव कर लेते हैं व्हाट्सएप का मैसेज,
फिर दोस्तों ये बहुत ही बुरा लड़ रहा था, बहुत ही मज़ेदार लड़ रहा था ये दो नंबर, और जोन आने वाला था जोन, तो उसे पता नहीं कहाँ से स्पॉट कर लिया कि एक बंदा वहाँ पे, और दोनों ने उसके ऊपर प्री फायर करके उसे ख़त्म कर दिया। फर्स्ट नंबर ने ख़त्म कर दिया पूरा उस बंदे को, और हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।